तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा स्क्रीन पेंटिंग फ्रेम बिल्कुल न्यू फ्रेम है, दो तीन मरतबा सिर्फ कार्ड प्रिंट किया हूँ और बिल्कुल देख सकते हैं वाइट है बिल्कुल कपड़ा, और लकड़ी भी देख सकते हो वाइट है। तो ये स्क्रीन पेंटिंग फ्रेम फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको अगर आप रेडीमेड खरीदते हैं तो खरीद सकते हैं या फिर आप अपने हाथ से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कोटिंग पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। तो इसको सबसे पहले हम कपड़ा से इस तरह से साफ कर लेंगे फ्रेंड्स, साफ कपड़े से इस तरीके से, ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना रहे। इस तरीके से हम साफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए लगभग ये हमारा साफ हो गया। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कोटिंग पेस्ट बनाया था, देखिए ये, इसको क्या करेंगे हम धीरे से थोड़ा थोड़ा हम गिरा लेंगे फ्रेम के ऊपर। देखिए इस तरीके से गिरा लिया। और इस तरह का देखिए ये एक कार्ड है, आप चाहे तो पुराना एटीएम कार्ड या फिर कुछ भी ले सकते हैं, या फिर स्केल वगैरह प्लास्टिक का वो भी ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से इस तरह से खींचेंगे, ये इस तरीके से हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। कि इस तरीके से, और जो हो इसको यहाँ रख देना है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें हम यहाँ इस पर रख देंगे। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मेरा जो चैनल था किचन ग्राफिक्स, तकरीबन उसमें 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और उस चैनल को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है जो रिमूव कर दिया गया है, ये मेरा दूसरा चैनल मैंने बनाया है। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन तक जो है ये चैनल मेरा जाए, वीडियो जाए, और वो लोग जो भी है मेरा इस चैनल में शामिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है फ्रेंड्स। और अब इस तरफ हो जाने के बाद फिर हम इस तरफ इसको पलट लेंगे, और हम यहाँ हल्का हल्का फिर यहाँ सोना को इस पर गिरा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और गिराने के बाद फिर उसी तरह हम इसको सबसे खींचेंगे इस तरह से, और जो बच जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ हम इस पर डाल देंगे डब्बे में। 30 ग्राम सोना को पे आपको 5 ml सेंसिटाइजर लिक्विड मिलाना है फ्रेंड्स, और 2 फ्रेम आप इसमें ले सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से इसको पलट के फिर से इधर हम करेंगे, यानी कि जब तक इसके अंदर आपका आए अच्छे तरह से इसको कर लेना फ्रेंड्स। इसमें आना नहीं चाहिए, देखिए ये बिल्कुल अभी फिनिशिंग के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि तकरीबन 8-10 मिनट लग ही जाता है इसको। इस तरीके से हम कर लेते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना है फ्रेंड्स, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इस तरह से लेना है, और इस तरीके से आपको इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। मैं यहाँ अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात का समय है, तकरीबन 9:30 या 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स, 9:30 होने को आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, और इसको पलट के फिर करना है इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल मोटा पतला कहीं होना नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं मोटा कहीं पतला, तो फिर आपका फिल्म बराबर खोलेगा नहीं। और इस तरह से हम यहाँ रख देते हैं सबको, देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लियरली काम करना है फ्रेंड्स। जितना सफाई के साथ काम करेंगे, जितना अच्छा कोटिंग करेंगे, आपका फिल्म भी मस्त खुलेगा, और छपाई भी अच्छा होगा, फिनिशिंग भी अच्छा होगा, ठीक है। कि देखिए इस तरीके से तो फ्रेंड्स देखिए हमने कोटिंग बिल्कुल कर लिया है, और अब क्या करना है इसको सुखाना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इसको कहीं अंधेरे में
रोशनी में नहीं रखना है, सूरज की रोशनी में नहीं रखना है, बिल्कुल अंधेरे जगह में रखना है, क्योंकि सूरज की रोशनी अगर इसमें पड़ेगा तो फिर आपका फिल्म नहीं खुलेगा फ्रेंड्स, आपका बेकार हो जाएगा। सूरज की रोशनी से बचाना है, जहाँ पे आपका वाइट बल्ब जल रहा हो वहाँ पे आपको ये कोटिंग करना है, ठीक है, अंधेरे में करना है, यानी कि जहाँ रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है अपना बल्ब का, ठीक है, वाइट बल्ब का, ठीक है, सूरज की रोशनी इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है, नहीं तो ये आपका फिल्म खुलेगा नहीं। तो अब हम इसको सुखाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास हेयर ड्रायर, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, मैं इससे सुखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये हो तो आप इससे भी सुखा सकते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट तक इसको आप सुखाएंगे, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो 10 मिनट लगता है, और गर्मी में तो 5-6 मिनट में भी सूख जाता है। तो चलिए हम इसी से सुखाएंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। दोनों तरफ आपको इस तरह से हवा लगाना है, ये हेयर ड्रायर है, ये अगर आपके पास होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सुखा सकते हैं, अदरवाइज आप फैन चालू करके भी सुखा सकते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छा होगा। 400 रुपये का है ये, आप चाहे तो खरीद सकते हैं फैन, कोई ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत ईजी तरीके से ये सूख जाता है, बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इधर सुखाया, अब दूसरी तरफ भी हम ले लेते हैं, इस तरह से पलट देते हैं और इधर भी हम इसी तरह से हवा लगा देते हैं। तकरीबन दोनों तरफ आपको इसी तरह से सुखाना है फ्रेंड, 5-7 मिनट, ठीक है, जब ये सूख जाता है फिर आपको हम बताएंगे किस तरीके से मेटर को खोला जाता है।